नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। आज का वीडियो हमने जगन्नाथ जी को डेडिकेट किया है, क्योंकि आज हमने घर में अपने श्रद्धा और अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान का सोना वेश यानी कि सोने स्वर्ण अलंकार से उनका श्रृंगार किया है। तो जगन्नाथ जी के पुरी में वो जब उनकी उनका रथ मौसी के घर गुंडेचा मंदिर से वापस श्री मंदिर की तरफ आता है, तो सोना वेश में वो गोल्डन अवतार जिसे कहते हैं यानी कि स्वर्ण अवतार में वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये स्वर्ण अवतार, इसका व्याख्या ऐसा हुआ है, इसकी व्याख्या जैसे राज राजेश्वर वेश में यानी राजाओं के राजा इस वेश में वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और अपने रथ में विराजमान होकर के ही वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं इस स्वर्ण अलंकार में। तो साल में सिर्फ कुछ ही दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माता का इस तरह से स्वर्णालंकार से श्रृंगार होता है, जिसे कि सोना वेश या सोना बेशा उड़िया में कहते हैं। तो हमने रथ यात्रा में उल्टा रथ तो पहले ही कर लिया था, लेकिन श्री मंदिर में फिर से हमारे मंदिर में वापस जाने के पहले आज हमने अपने सामर्थ्य अनुसार और हमारे पास जो भी आभूषण अवेलेबल थे उस से इनका सोना वेश अपने घर के अपने हिसाब से किया है। तो हमें आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दर्शन कीजिए भगवान श्री जगन्नाथ जी के, सुभद्रा माता के, बलभद्र जी के, और घर पे ही आप जिस अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान का श्रृंगार करें। और इस तरह से जिस तरह से हमने किया है, तो हमारी ये मन से ये प्रस्तुति है कि हम अपने भगवान को राज राजेश्वर वेश में अपने घर में ही उनको उनके दर्शन करें, उनके दिव्य दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से जिस तरह से उड़ीसा पुरी में करते हैं, उस तरह से भी हम आने वाले वर्षों में श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का श्रृंगार करें। लेकिन इस साल जिस तरह से हमने पहली बार ये रथ यात्रा की है अपने घर में, तो हमारा जितना बन पड़ा हमने उस तरह से किया है। तो आशा है भगवान ने भी ये स्वीकार किया होगा मेरा ये सोना वेश और आपको ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में हम ये सिखाते हैं किस तरह से अपने घर में ही हम पावनता को लाएं और छोटे छोटे पूजाओं से भगवान के निकट जा सके, उनके पास उनके प्रति अपना मन बना सके। तो यही हमारी कामना है। तो जितना भी घर में है, जो भी हम कर सके, उसी तरह से अपने भगवान की, अपने ईष्ट की पूजा करते हैं और इस तरह से प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी अपने घर पे करें। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया होगा या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि और क्या क्या आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो एक कमेंट तो बनता ही है दोस्तों, जय जगन्नाथ जी का कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे और भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ दोस्तों, जय जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।